हेलो एवरीवन, मैं नेहा आप सबको स्वागत करती हूँ अपने चैनल नेहा शर्मा रियल ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के साथ में ब्रेड का एक अच्छा सा चटपटा नाश्ते का रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को दबा करके ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जितना मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पे आ जाए और आप मेरा सबसे पहले वीडियो देख पाए। और जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आधे देख करके मत छोड़ा कीजिए, तो सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए रेसिपी बनाने के लिए चलती हूँ किचन में, तो किचन में ही मिलूंगी। और थोड़ी बहुत तैयारी हो चुकी है, बाकी की तैयारी आप लोगों के साथ ही करूंगी। देखिए ब्रेड वाला नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड है, ये मैदे वाला ब्रेड है। आप चाहें तो आटे का जो ब्रेड आता है वो भी ले सकते हैं। तो ये छोटा वाला एक पैकेट ब्रेड है, इसको मैं निकाल करके पंखे के हवा में रख दी थी ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, इससे कुरकुरा बनेगा और अच्छे नाश्ता बनेगा। तो आप भी इस तरीके से, आपके पास बचा बुचा ब्रेड है जैसे कि बच जाता है ब्रेड ऊपर वाला, तो उस तरीके से अगर इकट्ठा करके रखते हैं तो उसका भी बना करके आप इंजॉय कर सकते हैं। और ये रहा एक छोटी कटोरी से दही है, ये वजन में कम से कम 100 ग्राम दही है, इसको मैं निकाल ली हूँ। और इसको अच्छे से फेंट लेना है, और इसमें भी और मसाले भी डालूंगी वो आपको दिखाती हूँ। और ये दो मीडियम साइज का प्याज है जिसको मैं पतले पतले स्लाइस में काट करके रख ली हूँ। और दो हरी मिर्च है, हरी मिर्च आप पसंद के अनुसार अपने कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर बच्चों को खाना है तो हरी मिर्च ना डालें। और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसको मैं छिलका उतार करके रखी हूँ, इसको बारीक कद्दूकस करूंगी, पेस्ट नहीं बनाऊंगी कद्दूकस करूंगी। तो चलिए आगे की प्रोसेस भी तैयारी करते हैं। तो गाइस अब यहाँ पे दही में मसाला मिक्स कर लेंगे, और दही आप हो सके तो खट्टा ही लीजिए, अगर खट्टा नहीं है तो इसमें थोड़ा सा आधी चम्मच आमचूर का पाउडर मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पे तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर बस एक चुटकी मैं ली हूँ, और आधी से भी आधी चम्मच हल्दी का पाउडर है जो कि छोटे चम्मच से ही है, और स्वाद के अनुसार नमक दही में ही सारा फेंट लेना है। और इसी में थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल देना है, इससे तीखा बिल्कुल नहीं होता है, तो आप डरिए मत, बस खाली अच्छा सा कलर आएगा। और दही को मसाले में अच्छे से मिक्स कर देना है, फेंट लेना है अच्छे से ताकि खूब बढ़िया से मिक्स हो जाए। और उसके बाद फिर अदरक को भी कद्दूकस कर लेना है, और अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना लें, अगर आपको इस तरीके से पसंद नहीं है तो पेस्ट बना करके रख लीजिए। और अब फिर जो ब्रेड है तो ब्रेड के स्लाइस को इस तरीके से हम लेंगे, और एक ब्रेड में 4 भाग करके कट कर देंगे, तो छोटा छोटा साइज में आप काट लीजिए। मेरा चाकू थोड़ा थक गया है इसी वजह से धीरे धीरे कट रहा है, तो इसी तरीके से आप काट लीजिए 4 भाग में एक ब्रेड को। और काटने के बाद फिर आगे की प्रोसेस की भी तैयारी कर लेते हैं, बाकी तो लगभग सारी तैयारी हो चुकी है। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और उसके बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और ये देखिए कढ़ाई में थोड़ा सा मैं सरसों का तेल डाली हूँ, थोड़ा सा ही है, बस 2 चम्मच ही है। और जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो आधी चम्मच जीरा और आधी चम्मच राई है, राई का दाना जो पीला वाला ही है, और थोड़ा सा मेरे पास कढ़ी पत्ता था सूखा हुआ तो वो डाली हूँ, अगर आपके पास ताज़ा है तो वही डाल दीजिए, अगर नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं मत डालिए। और उसके बाद कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देना है, और अदरक को अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे, और उसके बाद हरी मिर्च कटी हुई जो बारीक काट करके रखा हुआ है वो डाल दें। अगर आपके बच्चों को तीखा कम पसंद है तो मिर्च अपने पसंद के अनुसार से रख सकते हैं। और जैसे ही मिर्च और अदरक अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसी में कटा हुआ प्याज डाल देंगे, और प्याज को भी ज़्यादा नहीं भूनना है कि मतलब इसको गलाना है, बस थोड़ा सा हल्का सा ही कलर चेंज हो जाए उसके बाद ही भून करके तैयार हो जाएगा। और अभी इसमें मसाला वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए प्याज भी हमारा एकदम अच्छे से भून गया है जितना हमें चाहिए, तो जो दही में मसाला फेंट करके रखा हुआ है बस वो डाल देना है। और दही डालने के बाद भी एकदम जब दही डालेंगे तो आँच को लो पे कर देंगे, नहीं तो फिर दही फटने का भी डर रहता है, तो आँच को लो पे कर देंगे। और 10 से 15 सेकंड के लिए ही बस दही को चला लेना है, और उसी में ब्रेड जो काट करके हम रखे रहेंगे वही डाल देना है। और ब्रेड डालते ही आप चाहें तो थोड़ा सा आँच तेज कर दें, और आँच तेज करके ब्रेड को अच्छे से मसाले में कोट कर लें, मतलब अच्छे से उसको फेंट ले चला लें ताकि सारा मसाला अच्छे से ब्रेड में लग जाए। और एकदम अच्छा सा नाश्ता हमारा बन करके बस 5 मिनट में ही तैयार हो जाता है। दही इसमें पड़ा हुआ है तो चटपटा स्वाद आएगा, और आप चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला भी छीट करके ऊपर से खा सकते हैं, या इसमें चाट मसाला मिक्स कर सकते हैं अपने अनुसार से, मसाला कम ज़्यादा आप कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और इसी तरीके से ब्रेड को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आँच को खूब ज़्यादा फ्लेम पे नहीं रखेंगे, बस मीडियम पे ही रखना है। और एकदम चटपटा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो जाता है। तो मैं आपसे फिर बोल दे रही हूँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि इसी तरीके का आप लोगों को वीडियो मिलते रहे। और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितना ही वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पे आ जाए। और जितना हो सके मेरे वीडियो को अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। छोटी सी रेसिपी थी, बस जब भी आपको भूख लगे छोटी मोटी भूख के लिए एकदम परफेक्ट है। थोड़ा सा ब्रेड से ही बन करके तैयार हो जाएगा झटपट। तो ये देखिए हमारा नाश्ता भी बन करके तैयार हो गया है, मैं प्लेट में निकाल दी हूँ गरम गरम ही खाने के लिए। तो बस हम लोग अब इंजॉय करेंगे। तो चलिए मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। लाइक ज़रूर कर दीजिए और